पटना से बीजेपी नेता सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सीधे आपको लिए चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यह कोई गठबंधन की जीत नहीं है और यह कोई ट्रेंड भी दिखाता नहीं है, और इसीलिए किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। महाराजगंज के लोकसभा के उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीत गया और राजद को गलतफहमी हो गई कि हम महाराजगंज जीत गए तो विधान लोकसभा चुनाव में उसके परिणाम हमारे अनुकूल आएंगे, लेकिन क्या परिणाम आया वो आपके सामने है। और जैसा कहा भी नंद किशोर जी ने कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद हम नरकटियागंज में 18,000 वोट से हार गए, उस विधानसभा में मोहनिया में 2,500 से हार गए उस लहर के बावजूद, और इस बाई इलेक्शन में इन दोनों सीटों पर हम 18,000-19,000 वोटों की बढ़त से और हम चुनाव जीते हैं। और इसलिए ठीक कहा कि ये जो बाई इलेक्शन होता है इसमें उम्मीदवार, सामाजिक समीकरण, स्थानीय मुद्दे, इन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाता है। ये कोई सरकार बनाने और हटाने का चुनाव नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये सरकार बनाने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। और इसीलिए जो मतदान होता है वो उस विधानसभा का सामाजिक समीकरण क्या है, इश्यूज़ क्या हैं, स्थानीय परिस्थितियां क्या हैं, उम्मीदवार कौन है, उन बहुत सारी चीज़ों पर ये निर्भर करता है। छपरा में हम चुनाव हार गए और हमारा जो रेबेल था उसको 35,000 वोट आ गया इसी चुनाव के अंदर। प्रवक्ता के अंदर जदयू जीत गई लेकिन आर्यन सिंह के पक्ष में एक सहानुभूति की लहर थी, क्योंकि पिछले बार वो गठबंधन के उम्मीदवार थे और केवल 400-500 वोटों से चुनाव हार गए थे।